राजधानी लखनऊ में नगर निगम की अनदेखी से दो मासूम पहुंचे ट्रामा सेंटर। आवारा कुत्तों ने दो मासूमों को नोचा। एक बच्चे मोहम्मद रजा की हुई मौत, वहीं बच्ची फातिमा का चल रहा इलाज। नगर निगम की लापरवाही से स्थानीयों में भारी आक्रोश। कई बार नगर निगम से शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। स्थानीयों ने किया बच्चे के मुआवजे की मांग। वहीं जिंदगी और मौत से जूझ रही बच्ची के साथ भी इंसाफ हो। मौके पर पुलिस परिजनों को समझाने का कर रहे प्रयास। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र का मामला। मैं आपका मेराज। मेराज, ये क्या मामला हुआ है? अभी जो घटना घटी है बच्चे के साथ, किस तरह की घटना है और क्या पहले भी ये हो चुका है? सर, एक बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है। क्या हुआ है अभी बच्चों के साथ, किस तरह की घटना घटी? बच्चों साथ ये हुआ, बच्चे जो थे, बच्चे छोटे छोटे हैं ना, एकदम एक 5 साल का, 6 साल का, एक लड़की 6-7 साल की है। हाँ। तो कुत्तों ने यहाँ इधर आगे ले जाकर के बाकायदा नोच कायदे से बहुत नोचा है उनको। नोच के खाने की नौबत थी, उसकी नौबत थी छोटे वाले बच्चे की, उसको खा जाएंगे। लेकिन लड़कों ने देख लिया है यहाँ पर, तो लिहाजा हकाया वकाया, तो मालूम हुआ लड़की का भी उससे वही सब हुआ है। तो लड़की तो ट्रामा सेंटर में है, वो तो झूल रही है मौत जिंदगी के बीच में, लड़का मर चुका है। अच्छा, और ये गलती से नगर निगम की है, क्यों नहीं आई एप्लीकेशन देने पर और इन्फॉर्म करने पर? कुत्ते पकड़ने के लिए आप लोग जब वहाँ नगर निगम में कंप्लेन करते हैं तो क्या बोलते हैं? ठीक है, हम आपको भेज देंगे, गाड़ी जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। आज जहाँ घटना हुई, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, किस तरह के लोग हैं? ठीक है, स्थिति बहुत खराब, बीपीएल लोग। क्या क्या कुछ मांग है आपकी लोगों से? मेरी इसलिए ये मांग है कि जो बच्चा मर चुका है, कम से कम उसका मुआवजा ही दे दिया जाए, ताकि उस बच्चे के काम आए। किसी घर वालों को नहीं चाहिए, जो लापरवाही हुई है, कम से कम जो मुआवजा आएगा वो उस बच्चे के काम में आ जाएगा। जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय वहाँ पे क्या कुछ लोग मौजूद नहीं थे? नहीं, मौजूद नहीं थे। रमजान का टाइम है, रोजे सब रोजे खोल लेते, वहाँ कोई नहीं था। रोजे खोल रहे थे, 4 बजे का टाइम था, सब लोग अपने अपने तैयारी, रोजे की तैयारी में थे, मतलब रोजा खोलने ही जा रहे थे।